शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों के साथ किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। पूरा वो दो रहे। क्या हाल है सर? आपके स्कूल के दोस्त? हाँ स्कूल के दोस्त। ये तेरे को बताया ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ पिछली बार भी आए थे। हाँ ये जो पूरा तीन रो है ये उनका पूरा परिवार है। अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था भाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे स्कूल टाइम मेरे को। आई डोंट नो व्हेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी। तो बैठे तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा। 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग ऐसे होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं और मैं भागता था। फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागता था, तब तक ये निकल जाते थे। और फिर वो पकड़, फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे। टिकट टिकट काट, टिकट काट, ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर सुपर। मैं, मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था, तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। लेकिन 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय, पैसे नहीं थे, अब क्या करें। मैं आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना भाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चले। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाओ। एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उद्यपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। नहीं नहीं पैसे थे, मैं क्या सबसे तो डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वाज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं मुझे बताइए, इनके पिता डॉक्टर थे तो इनका इलाज क्यों नहीं किया? अच्छा आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, पाजी सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं मैं कभी नहीं हुआ। ए, ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं पहली वाली ने स्कूल में टेल मी फास्ट। तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में चला गया। तो मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा जी। शी रिजेक्टेड मी क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार, सब कैसे देख रहे हैं, ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना। अच्छा वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस सर और समथिंग, मैंने किया नहीं।
तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल बता। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा मुझे बताओ। नहीं नहीं ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली हाँ उड़ीपी रेस्टोरेंट में उसको क्या डबी टच कर देगा, मेंदू बड़ा लगा देते उसको। क्या लगा देते? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए आप बोल रहे हो? नहीं नहीं। क्या कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी भाई जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं वही ये पहले बात तो इस बात में यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने का शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा। हाँ। क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते हैं जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी के इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आस पास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा आपने कभी नहीं अक्षय भाई किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। कभी कभार ऐसा होता है ना गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं तो कहाँ पे चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने नहीं ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते। अब जोकिंग। रितेश आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। कब की बात है ये? कल की बात है। भोपाल जी आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ही होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है तू? कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको, पूछना आज मैंने ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? सेवेंथ ऑनवर्ड्स, मतलब सेवेंथ एट नाइन्थ सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब तू, कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? एट और नाइन्थ। तो ना। अच्छा खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं ऐसे ऐसे करके कुछ। और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले? आप पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय भाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था।
अच्छा जी तो जिमनास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी तो उछल कूद तो बनता ही है और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है आपने कॉपी किया, बाकी आदतें आपने कॉपी नहीं की, जिमनास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा हाँ सर और आप भी साथ सर आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाओ तो सर मैंने अक्षय भाजी मैंने बात नोटिस किया आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सर बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती है ना? अपर्णा उबीरा पिछली बार भी आई थी, पिछली बार भी आई थी। लास्ट टाइम आप आई थी। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ और साबूदाना की खिचड़ी, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। अपर्णा जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ मैं बहुत जल्दी, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ पहले से, हम लोग जाते थे रनिंग करने और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, हम लोग भाग के जाते थे और एवरी डे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी यूज टू प्ले, गुल्ली डंडा, ये विटी डांडू, विकी डांडू, कोई बा, सब वो टिक्कर बिल्ला खेलते थे, सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं ये नहीं, ये खेल मत खेलो, तेरे को भी बोल रहा हूँ वो चंकी। आप सो जाए चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। आपने देखा अपर्णा जी आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है, अच्छे दोस्त हो तो आप सब अच्छा अच्छा सीखते हैं। अर्चन जी आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। अच्छा आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पाजी सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या क्या किया पाजी आपने, किसको मैसेज किया? बता भाई तू बता तेरा कि इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बीबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया, विद्या बालन अच्छा आई लव यू वेरी वेरी मच। हम शादी की बात, उनकी शादी हो चुकी थी, हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा दोनों की नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। मैंने ये क्या हो गया, विद्या का मैसेज मुआ 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 में ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। ये उसका भी फोन अक्षय के पास था, उसको तो हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ भाजी क्या मिलता है आपको, ऐसे मजा आता है? सुकून, मस्ती होती है, क्यों नहीं मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दे? ओके ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, ये ले तू बता। नहीं ये तो देखिए सवाल थे जनता के, कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद बोले व्हाट आर यू डूइंग। चंकी कभी कभी अकेले में भी कर लेते। नहीं ये गेम ऐसी है, दो लोगों में पकड़ी जाती है। करेक्ट, क्योंकि एक को तो पता है उसने किया और दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया तीन है। लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती कभी नहीं। हाँ कभी हुआ ऐसे तीन लोगों में? हम लोग चार हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने। सर कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा एक्टर्स के बारे में फैलती रहती है मार्केट में, तो हम बिलीव नहीं करते, हम खुद पूछते हैं। कंफर्म करते हैं। पहला सवाल मुझसे, पहला सवाल आपसे है, अफवाह ये कि फिल्म हाउसफुल के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सीक्वल में दोबारा कहीं नहीं आते, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान उनको उबले हुए गाजर चने मैंने खिला के आप उनका मन ही मार देते हो कि वो आते ही नहीं। अफवाह। ओके अफवाह है रितेश, एक अफवाह ये कि जब आप बांगड़ू महाराज बन के डांस कर रहे थे तो कूदने के चक्कर में दो बार आपका पजामा खुल गया था। अफवाह है, चार बार खुला था। चंकी सर आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार भंडारे की लाइन में आप लगे हुए थे, आपकी किसी फैन ने पहचान लिया, आपने उसके साथ फोटो खिंचा के उसकी पूरी और भाजी भी ले ली।
ये स्क्रीन पे बाला है, मैं रियल लाइफ में बाला हूँ, छीनता हूँ लोगों का दिवाला। ये पता नहीं कहाँ है मैडम। देखिए यही होता है 2 बजे तक जो करता है। रितेश एक अफवाह ये आपके बारे में कि आप जेनेलिया को जब फर्स्ट डेट पे लेके गए तो आपने समोसा खिलाया था क्योंकि आपका बजट कम था। इनका बजट कम था ऐसा सुनने में आया, अफवाह है। इनका बजट कम था। यही पूरा बजट लिखते थे। नहीं, जिनिलिया को समोसे पसंद है। करेक्ट। ये कुछ यार। बॉबी पाजी आपके बारे में अफवाह है कि आपके वार्डरोब में 1500 से ज्यादा शर्ट्स हैं, 250 से ज्यादा ट्राउजर हैं, 100 बेल्ट, 500 से ज्यादा सनग्लासेस हैं। ये क्या मंगला ड्रेस अलग कह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा ये अफवाह अफवाह। पर वार्डरोब आपका काफी बड़ा है लेकिन, ऐसा सुना है। वो तो सबके ही बड़े आजकल। ओके चंकी सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपका जो पास्ता वाला करेक्टर है इतना फेमस हो गया कि जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं तो वो ऐसे नहीं लेते हैं आपसे। इस चक्कर में आप कई सालों से पास्ता ही खा रहे हैं। हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम पास्ता। तीनों टाइम पास्ता, बिल आने के पहले भाग जाता हूँ। एक्चुअली साजन नडवाल ने उनसे पूछे, आप जब आएंगे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे पता होता कि आखिरी पास्ता इतना फेमस हो जाता तो मैं उसका रोल पहले ही फिल्म में काट देता। ऐसे क्यों? पता नहीं, उनसे पूछे अभी सब। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनको पता होता कि रोल, ये कैरेक्टर इतना बड़ा होता, वो कोई बड़े एक्टर को लेते। ना ना ना, बट नो वन कैन डू इट लाइक यू। यू आर द बेस्ट पास्ता एंड यू आर द ओनली पास्ता। अक्षय सर, ये अफवाह है कि आपको एक्सरसाइज करने का इतना शौक है कि लिफ्ट और सीढ़ियां होने के बावजूद भी आप कभी कभी रस्से पे लटक के अपने घर में घुसते हैं। ये सही है, अफवाह नहीं है, सही है। ये इसलिए सही है, एक बार उन्होंने कहा मुझे कि मेरे घर पे आ जा, और ये अंधेरी में घर पे रहते थे, उसको उन्होंने जिम में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ऊपर 2 फ्लोर्स है उसमें, और मैं जब घर पे पहुंचा तो वो एक ओपन एरिया था, और ऊपर से यार अच्छा ऊपर आ जा ड्यूप्ले में, ऊपर के फ्लोर पे। तो मैं बोला कहाँ से आऊँ, सीढ़ी कहाँ पे है? तो मतलब मेरे घर में सीढ़ियाँ नहीं है। अच्छा, तो उधर कुछ 4 रॉड लगे, तो रॉड पे ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है। तो दिस इज व्हाट इज डन टू द एंटायर हाउस, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब निकाल दी उन्होंने। तो भाई कुछ साड़ी पहन के आपसे मिलने आ जाए तो? तो साड़ी उतार के। बॉबी पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके छोटे बेटे पे लड़कियां जल्दी फिदा हो जाती हैं, इसलिए आपने उनका नाम धर्मेंद्र रखा है। Is it true? बोला है, बोला है, अफवाह है। अफवाह है। वाओ। अगर ये सच होता तो रीजन क्या होता? उसका नाम धर्म है। हाँ। तू जिस्म है तो रूह सा, तुझ में कहीं रह लूं, नजरा हो तुझ से फासला, जिस्म है तो रूह सा, तुझ में कहीं रह लूं। शर्म आनी चाहिए, एक सुम्मा करी जा रहे हो।